मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न अवस्था में जबरन घुमाया गया। इस घटना के बाद से ही सड़क से लेकर संसद तक उबाल है। इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। भीड़ की दरिंदगी का शिकार हुए एक महिला के पति कारगिल का युद्ध लड़ चुके हैं, रिटायर्ड सूबेदार हैं। उन्होंने बताया कि उनके इलाके के हालात बेहद खतरनाक और डराने वाले हैं। मणिपुर पुलिस अब तक मुख्य आरोपी हुई हीरा दोस्त समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक अखबार से बातचीत करते समय 65 वर्षीय रिटायर्ड सैनिक ने इस हैवानियत की शिकार हुई अपनी पत्नी के बारे में बताया। उनका कहना है कि अब सब कुछ तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो सामान और सम्मान दोनों गंवा चुके हैं। पीड़ित पत्नी ने कहा कि हम दो महिलाओं को बंदूक की नोक पर हजारों लोगों के सामने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। अगर हमने कपड़े नहीं उतारे तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आगे बताया कि उन्होंने हमें नाचने पर मजबूर किया, धक्का दिया और परेड करवाई। वे सभी जंगली जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे थे। पूर्व सैनिक का आगे कहा कि वो डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन हमारे बच्चों की चिंता करनी थी, इसलिए वो सामान्य होने की कोशिश कर रही हैं। रिटायर्ड सैनिक ने कहा कि मैंने कारगिल लड़कर सामने की जंग देखी है। जब मैं घर वापस आया तो मेरी खुद की जगह युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 4 मई से हमारे गांव और घरों को आग लगाना शुरू कर दिया गया था। सभी गांव वाले जान बचाकर यहां से भाग गए हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग हो गई थी और 4 अन्य गाँव वालों के साथ जंगल में छिप गई थी, और इसी दरमियान कुछ हमलावरों ने हमारी बकरियां सूरों को पकड़ा और गाँव से भी ले गए। इस दौरान मेरी पत्नी और अन्य लोगों को भी खोज कर बंदी बना लिया गया। पूर्व सैनिक बताते हैं कि महिला को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पिता और भाई को मौके पर ही मार दिया गया। उन्होंने बताया कि पत्नी के अलावा एक महिला और बच्चा, एक ही परिवार के 3 सदस्य जिसमें पिता और बेटी और बेटा था, भीड़ पुलिस वालों से छीनकर सभी को ले गई थी। पूर्व सैनिक ने हैवानों की भीड़ को याद किया और बताया कि मैं देख सकता था कि वे पत्नी और अन्य 4 लोगों को कुछ दूरी पर ले गए हैं। 3 महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया, हाथों में बच्चे के लिए महिला को बाद में छोड़ दिया गया और जाने दिया गया। भीड़ ने कम उम्र की महिला के साथ उत्पीड़न करने की कोशिश की और जब उसके भाई और पिता ने दखल दिया तो उन्हें मार दिया गया। उन्होंने बताया कि हैवानों की हैवानियत करीब 2 से 3 घंटे तक चली। वो देर रात अपनी पत्नी से नागा गाँव में मिले। छोटी लड़की को उसका प्रेमी ले गया। फिलहाल पति पत्नी चूड़ा चांदपुर में राहत शिविर में रह रहे हैं। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हर कोई वहां पर स्थित जो बनी उसे शांत कराने की मांग कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसने पूरे देश को शर्मसार किया है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को, कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।